का यह बंद जो एक दिवसीय बंद है वह पूरा भारत में लागू हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी, और उसके बाद हमने नांदगांव में भी इसका आह्वान किया। पिछले दिनों कर्नाटक में 5 जुलाई के हमारे एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। मतलब उस हत्या को आप, उसका वीडियो जो आया है वो देख भी नहीं सकते, इतना गंदे तरीके से उन्होंने उसको अंजाम दिया है। तो उसी के रोष में, उसी के विरोध में हम ये बंद पूरे भारत में रखे हैं और उस चीज़ की हम बहुत निंदा करते हैं, उस घटना की हम निंदा करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे संतों को या पूरे सर्वधर्म के संतों को एक ऐसी सुरक्षा दी जाए जिससे आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। हम इस घटना की बहुत निंदा करते हैं और आज जो नांदगांव वालों ने हमें समर्थन दिया है और सहयोग दिया है उनका आभार करते हैं। एक दिवसीय पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसी तारतम्य में आज राजनांदगांव शहर बंद के लिए सकल जैन समाज के साथ दिगंबर जैन समाज के में सामूहिक रूप से एक निवेदन के साथ शहर बंद कराने के लिए निकले और पूरे शहरवासियों का बहुत अच्छा सहयोग इसमें मिला है। कई सरकारों से यह विनम्र आग्रह करता है कि ऐसे दोषियों को जिन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, जिससे जैन धर्म ही नहीं अपितु सभी संतों की रक्षा भारतवर्ष की सरकार कर सके और कभी कोई ऐसा कार्य करने की चेष्टा ना करे। अभी तो हद ही हो गई जब कर्नाटक में काम कुमार नंदी जो हमारे संत थे उनकी उनके आसपास रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी केवल हत्या नहीं की बल्कि इतनी निर्ममता से इस हत्या को किया कि उनके शरीर के 9 टुकड़े कर दिए गए, फेंक दिया गया। और जब पता चला और खोजबीन के बाद उस शरीर को बोर से निकाला गया और उनको जोड़ के रखा गया तो कोई भी व्यक्ति उस शरीर को देखने की स्थिति में नहीं था। राजनांदगांव संस्कारधानी कहलाता है और संस्कारधानी के लोगों से ये अपेक्षा सबको रहती है। जिन लोगों ने आज हमको सहयोग किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और भविष्य में भी जब तक इसका कोई निर्णय नहीं होगा, आगे पीछे कोई आंदोलन की रूपरेखा बनेगी तो उसके लिए हम जनता से अपील करते हैं कि भविष्य में भी हमको सहयोग